प्रोग्राम खबरी और आपका मेजबान आवाज पाकिस्तान अथरिजवी शब 3 बजे तक आपके साथ साथ रहेगा। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज में लगी घड़ियों के मुताबिक 1:45 हो चुके हैं। आपकी मोहब्बतें बिल्कुल सामने मेरी स्क्रीन पर जो है वो फैली हुई हैं। आपके मैसेजेस यकीन कीजिए रात के इस पहर 4 चांद लगा देते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं ना, ये आपके भेजे गए जो मैसेजेस हैं ये तारों की तरह चमकते हैं हमारे प्रोग्राम में। आपके ये मैसेज हमारे मुंह से नहीं, 111111100 आपके और हमारे दरमियान गुज़िश्ता 16 सालों से राब्ते का सिलसिला, राब्ते का नंबर बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में एक और कॉलर की जाने। देखते हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कौन मौजूद हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मैं बहुत दूर से बोल रहा हूं और आपका प्रोग्राम नेट पे सुनता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है ये लेट नाइट प्रोग्राम सुनना। तो जाहिर है एफएम 600 किलोमीटर पे तो नहीं आता है, यकीन है, तो मुझे नेट के जरिए सुनना पड़ता है। जुबैर अहमद मेरा नाम है। जी जुबैर साहब, कैसे मिजाज हैं? और मैं सहरा का रहने वाला हूँ और चारों तरफ ठंडी ठंडी रेत है मेरे। वाह वाह, बहुत खूब। ये क्योंकि बाहर का मौसम है और मेरी ख्वाहिश है कि इस मौसम के हवाले से मैं एक दो शेर आपकी नजर करूँ। जरूर, क्यों नहीं। महकती वादियां मौसम सुहाने याद आएंगे, महकती वादियां मौसम सुहाने याद आएंगे। वाह वाह वाह, जो तेरे साथ बीते वो जमाने याद आएंगे। बहुत खूब, अच्छा, आपके लिए भी है ये। अच्छा है, अच्छा। इसी बहार के हवाले से मिर्जा गालिब का एक शेर मेरी नजर के सामने है। फिर इस अंदाज से बहार आई, वाह वाह, के हुए महरुमा तमाशाई। बहुत खूब। फिर इस अंदाज से बहार आई के हुए महरुमा तमाशाई। वाह, देखो ऐसा कि नाने सत्ता पाक, इसको कहते हैं आलम आराई। इसे कहते हैं आलम आराई। वाह, आलम आराई, आलम आराई, आलम आराई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये बहार शेर आपकी नजर। अच्छा, ये बताइए कि जुबैर साहब, आप हमें क्योंकि सहरा से कॉल कर रहे हैं और जिस तरह आपने वहाँ की मंजरकशी की कि आपके इर्द गिर्द जो है वो ठंडी रेत है। अच्छा, सहरा का भी बड़ा खूबसूरत कोई हिसाब किताब होता है कि सारा दिन जो है वो रेत तपती है और रात के टाइम वही रेत जो है वो ठंडक जो है वो पैदा करती है। असल में जिस कदर ये बस्ती वारी समंदर है जी जी आपके पाकिस्तान में, इसी तरह लखोदख सहरा भी मौजूद है। लेकिन समंदर के करीब रहने वाले तो अपने आप को शहरी कहते हैं कि हमसे बड़ा शहर कोई नहीं है, हम शहरी हैं। सही। और हम तो सहरा नशीन जो लोग हैं, हम तो तपती रेत पे भी गुजारा करते हैं और यही रात हमारे लिए रेत जो है रात को सुकून का बाइस होती है, ठंडी ठंडी होती है। वा, वा। इस वक्त जो मौसम रात का है आपके इस्लामाबाद में तो यकीन बारिशें भी हुई हमने सुना है और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ पर उसका असर जरूर है। और मैं तो शहर वालों से यही कहता हूँ कि शहर के लोगों तुम क्या जानो, शहर तो बंजर होते हैं। शहर के लोगों तुम क्या जानो, शहर तो बंजर होते हैं, सहराओं में रहने वाले लोग समंदर होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जुबैर साहब, यकीनन आपकी गुफ्तगू से, आपके अंदाजे तकल्लुम से हमें ये जानने में कोई देर नहीं लगेगी क्योंकि आप जो है बड़ा अदब से ताल्लुक रखते हैं, अदब से शख़्स आपका जो है वो हमें आपकी आवाज से जो है वो झलक रहा है। कोई ऐसा मतलब ये कि सहरा के हवाले से कोई वहीं की जबान में कोई एक हमें शेर सुनाइए, और कोई ऐसा शेर जिसका कोई मंजूम उर्दू तर्जुमा भी फिर आप हमें वक्कर सुनाए। मैं असल में आपने बात ऐसी छेड़ दी है जी कि सहरा के करीब शहर बहावलपुर जो है ये एक रियासत थी स्टेट की, और आजकल बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जी जी नवाब बहावलपुर की याद में एक 3 रोजा तकरीबात हो रही हैं। अच्छा, शुरू हो चुकी हैं? जी हो चुकी हैं, 29 से और ये 30 तारीख तक, 31 तक चलेंगी जी जी। तो एक तो ये भी हवाला है कि ये एक स्टेट थी जी, और यहाँ एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत गुजरी हैं जो दुनिया के अंदर बड़ा नाम है उनका, और सराइकी के मारूफ शायर और बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी, सुभान अल्लाह, क्या बात। कलाम जबान ज़दे आम है।
اور صحرا کی حسن کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا اپنے کلام میں. واہ واہ. ایک شعر میں آپ کو سنا دوں. ضرور, کیوں نہیں. سرائیکی میں ہے جی. وچ روہی دے راندیاں نازک ناز جٹیاں. وچ روہی دے راندیاں. وچ روہی دے راندیاں نازک ناز جٹیاں. واہ. راتی کرن شکار دینی دے جی ہاں ولوڑن مٹیاں. واہ. اسی خطے کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اردو ادب کے حوالے سے, صاحب بیل بھی. جی سبحان اللہ, کیا بات. منظوم ترجمہ بھی کیا تھا اور بہت سی کاپیوں کا کیا ہے. اور میرا خیال میں جب بھی میں آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں کہ جب بھی ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں, اس صحرا کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو کچھ ادبی شخصیات گزری ہیں ان میں شہاب دہلوی جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. بڑا نام ہے جی, بہت بڑا نام ہے. بلکہ یقین بڑے صغیر پاک و ہند کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں, جی بڑی تاریخی کتابیں موجود ہیں. جی جی جی. اور انہوں نے بہت کام کیا یہاں پر. بہت خود کا ترجمہ کرتے ہیں شعر کا. جی. وچ روہی دے راندیاں نازک ناز جٹیاں, راتی کرن شکار دلیندے ڈی ہاں ولوڑن مٹیاں. یعنی روہی دیش کی رہنے والی نازک نازک دوشی جائیں. روہی دیش کی رہنے والی نازک نازک دو چیزیں, جن کو بلوئیں چھاچ سے مٹ کے سب کو شکاری بھیج دیں. اگر آپ کے پاس یہ کلام اقبال بانو کی آواز میں ہے, یہ ترجمہ اردو کا, اگر آپ کے پاس کہیں اویلیبل ہو تو ضرور سنوائیے گا. جی ضرور, میری بھرپور کوشش ہے کہ اگر اقبال بانو آپ کے پاس. جی میں کوشش کروں گا. اقبال بانو نے گایا ہے, بہت اچھا گایا ہے. بالکل. تو وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. تو یہ کس طرح جو ہے, یہ اس کا کیا مطلب, یہ کہ کس لفظ سے ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں؟ جی ہم اس کو کس طرح سرچ کر سکتے ہیں؟ اقبال بانو تو ہمارے پاس. اقبال بانو کو سرچ کیجیے. اقبال بانو کے جو گائے ہوئے آئٹم ہیں, جی جی, غالباً انہوں نے ملتان میں ریکارڈ کروایا تھا. اچھا. وچ روہی دے راندیاں پاکستان ملتان میں, ریڈیو پاکستان کی جو ہے ریکارڈنگ, اس کو سرچ کیجیے. ٹھیک ہے, میں ضرور مل جائے, میں ضرور کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت سارا ٹائم دیا آپ کے, بہت سارے لسنرز ہیں, منتظر ہوں گے آپ کے. جی بالکل بالکل. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. اکثر ہمیں مری سے کال آتی ہے, اکثر ہمیں آزاد کشمیر سے کال آتی ہے, ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے جب اس پلیٹ فارم پہ کال آتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم السلام علیکم پاکستان کہتے ہیں. اور آج ایک کمی اور پوری ہوئی, صحرا سے ہمیں کال آئی, اس علاقے سے کال آئی جس علاقے کو روہی کہتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی, بڑی خوبصورت بات ہوئی.